सोशल मीडिया पर अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे का अब निधन हो गया है। अचानक से आई इस खबर ने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है। पूनम पांडे की टीम की ओर से बताया गया कि पूनम का निधन सर्वाइकल कैंसर की वजह से 1 फरवरी की देर रात हुआ था। पूनम पांडे महज 32 साल की थी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी जबरदस्त पहचान बना ली थी। वहीं दूसरी ओर वो कॉन्ट्रोवर्सीज से भी घिरी रहती और हर बार ट्रोलर्स के निशाने पर आती रहती। उनके विवादित बयान और तस्वीरों की वजह से वो आए दिन ट्रोल होती, लेकिन निधन के कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक ऐसा बड़ा काम किया जिसे जानकर आप भी उन्हें सैल्यूट करने से पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि बीते दिनों मालदीव्स का बहिष्कार मूवमेंट जो शुरू हुआ था, उसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भारतीय द्वीप लक्षद्वीप को प्रमोट करने का फैसला लिया था। वही मालदीव्स के बहिष्कार के साथ ही वहाँ होने वाली शूटिंग और प्लान्स को भी कैंसिल कर दिया था। इन्हीं सेलेब्स की लिस्ट में पूनम पांडे ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इन सब के बीच पूनम पांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए थे, जिसमें मालदीव्स में होने वाली शूटिंग को कैंसिल करने की बात चल रही थी। उन्होंने इस चैट को शेयर करते हुए लिखा था, मुझे मालदीव्स में शूटिंग पसंद है, लेकिन मैं अब कभी भी मालदीव्स में शूटिंग नहीं करूंगी। जब मैंने मालदीव्स में अपने अगले शूट को स्केड्यूल किया, तब मैंने टीम से कहा था कि मैं शूट नहीं करूंगी अगर शूट मालदीव्स में फंसा है। वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या है राय, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना ना भूलिएगा। टिल देन वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। Thank you.